मुझे भूख लगी है। उसने कहा पैसे पहले, पैसे देंगे बैठिए इंतजार कीजिए। ये इंतजार करते रहे, बाद में दूसरे लोग आए उनको भी खाना मिल गया, ये बैठे रहे खाना नहीं दिए। अब ये गुस्से में लाल पीले हो गए और होटल के मालिक से कहा कि बाद में पैसे भी वसूल कर लिए और मेरे पास आने वालों को तुमने खाना दे दिया। तुम्हें मालूम है एक महीने से तुम्हें गुजारा कर रहा हूँ और भूखा प्यासा हूँ, पैसे भी ले लिए मैं खाना भी। जैसे ही उन्होंने कहा कि एक महीने से मैं रोजा रख रहा हूं, तो होटल के मालिक ने कहा आपने एक महीने पर ऐसा किया, महीने से रोजा रखे, अल्लाह हमी आपका नफ्स इस रोजे की वजह से और मोटा हो गया। तो ये समझ गए मेरे, ये तो कोई साहब नजर मान, ये होटल चला रहा है लेकिन ये समझ रहा है ना देना कोई मसला। आपने चाहिए बताओ फिर ये नफ्स दुबला कहां होगा, ये कहां होगा बताओ। तो होटल के मालिक ने कहा अल्लामा जामी जाओ समरकंद खा जाओ, बैतुल्ला खैरा के वहां आपका हिस्सा। इस सिलसिले में आपको हमारे समरकंदी ये बहुत बड़े साहेब कष्ट दुख कष्ट। उन्होंने कहा अच्छा समरकंद जाना पड़े, कहा आपका हिस्सा नहीं है, वही ये नफ्स दुबला होगा। इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा, फिर समरकंद का सफर किया और समरकंद का सफर करके जब समरकंद के हुदूद में दाखिल हुए तो खाजा हो गया कि अल्लाह को कष्ट हो गया कि अल्लाह नजर नहीं आ रहे और कैसे आ रहे, किस इरादे से आ रहे, भी आ रहे हाँ यहाँ ठीक ठाक आया भी है, हम भी महाराजा जाते बहुत डरते रहे। बुजुर्गों अपने दिल और ख्यालात को भी बाकी कर ये बस में इश्क है, यहां सरफे दिल की जांच होती है। ये बस में इश्क है, यहां सरफे दिल की जांच होती है, यहां पोशाक से अंदाजे इंसान नहीं होता, यहां कपड़े नहीं देखे जाते, खान पाओ में लिबास नहीं देखा जाता, वजाकता नहीं देखी जाती, कैफियत देखी जाती है कि आने वाला किस इरादे से आ रहा है। ख्वाजा बैतुल्लाह हराज ने अपने खादिम से कहा सुनो जामी आ रहे, मौलाना आदमी मसला बहुत बताएंगे सुन लो, तो ऐसा करो सोने के प्लेट में खाना लेते जाओ। तो मसला बताया यहां जमी आए आदमी मिले और जब बर्तन में खाना दिया उनको सोने के बर्तन में खाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है इस बर्तन में खाने से सोने चांदी के मैंने खा सकता बाकी चलिए। लेकिन यहां तो आजमाया जाए देखे कहते उन्होंने खादिम ने खादिम से हजरत ने कहा था जब वो तैयार नहीं होंगे खाने के लिए, वो तैयार नहीं होंगे मसला बताएंगे तो तुम कह देना कि खाना हो तो खाइए नहीं तो जाइए। अल्लामा जामी ने देखा रुख होता तो समझ गए ये सब इम्तिहान है, ये सब इम्तिहान है। तो आपने उसमें से बर्तन में से कुछ निकाल के पत्थर पे रखा, पत्थर पे रखा खाना निकाल के रख दिया और फिर उसमें से उठा के
ایک لقمہ پتھر سے اٹھا کے ڈالا اور اللہ بچانے کا قلب روشن ہو گیا، قلب ساقی ہو گیا۔ خواجہ عبید اللہ عراق نے اسے ایک لقمے سے اللہ جامی کا قلب روشن ہوا۔ بہت بڑے عالم تھے لیکن ضرورت تھی تزکیہ کی، تزکیہ۔ یہ قرآن نے جو کہا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اللہ کے نبی صحابہ کو علم سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، ویزکیہم ان کو سر سے پیر تک پاکیزہ کرواتے ہیں۔ سرکار نے کیسے پاکیزہ کیا دیکھتے ہیں، مسجد نبوی وہی مسجد بھی تھی اور وہی سرکار کی خانقاہ، اسی مسجد میں آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، تھوڑا سا نگاہ اوپر کر کے دیکھیے ریاض الجنہ میں۔